हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हर साल 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसी के साथ फरवरी का जो महीना होता है, जो मंथ होता है, वो गॉल ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस के लिए भी मनाया जाता है। अब आप में से काफ़ी लोगों को गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये काम क्या करता है और इसका भी कैंसर होता है, ये सारे सवाल होंगे। और इसी सारे सवालों के जवाबों के लिए ये आज का वीडियो है। गॉल ब्लैडर और उसके कैंसर के बारे में डॉक्टर स्वरूपा जी ने इस वीडियो में डिटेल्स में बात की है। कृपया आप ये वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कैंसर जर्नी में सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो कैंसर पेशेंट्स तक पहुँचाने के लिए कृपया शेयर करें। आज हम बात करेंगे एक कैंसर के बारे में, गॉल ब्लैडर कैंसर, जिसे हिंदी में पित्त की थैली में कैंसर कहा जाता है। ये फरवरी का महीना है और फरवरी को इसलिए मनाया जाता है कि ये गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए अवेयरनेस और जागरूकता के लिए ये रखा गया है। गॉल ब्लैडर होती है पित्त की थैली। पित्त की थैली कहाँ होती है? पित्त की थैली हमारी जो लिवर है, लिवर के जस्ट नीचे में छोटा सा ग्लैंड है जो कि लिवर के नीचे में छुपा हुआ रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम है बॉडी में एक तरह की सब्सटेंस होती है जिसे हम बाइल बोलते हैं, इसमें बाइल बनाया जाता है, बाइल, और जिसे पित्त हम बोलते हैं। इस बाइल का काम है कि हम जो फैट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो वेल, इवन इफ यू डू नॉट हैव द बाइल, अगर आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं भी है तो भी काम चल सकता है। ये हमारे जीने के लिए उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। और गॉल ब्लैडर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन ये डिवास्टेटिंग है, ये बहुत भयानक सी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। गॉल ब्लैडर कैंसर पूरे वर्ल्ड में कम है, लेकिन हमारे कंट्री में, इंडिया में, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में इसकी जो इंसिडेंस है ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें, 10% ऑफ वर्ल्ड्स केसेस इंडिया में होते हैं, और इसीलिए हमें इसकी जागरूकता की ज़रूरत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। हमें जानना चाहिए कि गॉल ब्लैडर कैंसर क्यों होते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर जनरली होते हैं, द मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है गॉल स्टोन्स या पथरी, पित्त की थैली में पथरी। तो पथरी से कैंसर के एक संबंध होता है, लेकिन ये भी सही है कि ज़्यादातर जो पथरी देखा जाता है उसमें से बहुत कम ही होते हैं जो कि कैंसर में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कैंसर को अगर हम देखें, गॉल ब्लैडर कैंसर, मैक्सिमम गॉल ब्लैडर कैंसर ये स्टोन्स के लिए ही होता है, पथरी के लिए ही होता है। तो अगर पथरी डायग्नोज होता है तो उसको हमें ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, एक बार जाना चाहिए डॉक्टर के पास, सर्जन के पास। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि इसे हमें रिमूव करना है या ऑब्जर्वेशन में रहना है या कोई दवाई देना है। तो ये जानना ज़रूरी है। पहले हम ऐसे जानते थे कि गॉल स्टोन्स हो गया है, कोई बात नहीं, जब तक तकलीफ नहीं है छोड़ दो, उसे कुछ नहीं करना है। बट ये चीज अभी खत्म हो गया है, हमारी दृष्टि थोड़ी बदल गई है। ये गॉल स्टोन की कैंसर, गॉल ब्लैडर की कैंसर और भी होते हैं जो मोटे होते हैं, मोटापा, ओबिसिटी। तो ऐसे लेडीज में ये कैंसर लेडीज में ज्यादा होता है, मिडिल एज की लेडीज, 50 के ऊपर में जो लेडीज होते हैं और जिसमें मोटापे होते हैं, ओबिसिटी होती है, उसमें ये कैंसर ज्यादा पाया गया है। फैट फीमेल ऑफ 50, सो जनरली दिस इज द ग्रुप जिसमें गॉल ब्लैडर के कैंसर ज्यादा होते हैं। और भी कुछ रीजंस होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक है अल्कोहल। अल्कोहल की सेवन, दैट इज जिसे हम दारू बोलते हैं, उसकी सेवन, ये इसमें जो ज़्यादा लेते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है गॉल ब्लैडर की कैंसर। और दूसरा है कुछ इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर में होती है जो कि बाद में कभी कभी गॉल ब्लैडर कैंसर का रूप ले सकती है। तो मेनली हमें बचना है कि
कि हमें ओबिसिटी, एक मोटापा से बचना है, और अल्कोहल जितना कम हो उतना लेना चाहिए, हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज़ है वो करना चाहिए जिससे कि हमें ओबीज या फैट नहीं डिपॉजिट हो, और गॉल स्टोन्स अगर हो, स्टोन्स अगर हो, तो उसे एक बार हमें डॉक्टर के पास जाके उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम डायग्नोज कैसे करें? गॉल ब्लैडर कैंसर हमारे कंट्री में डायग्नोज होता है बहुत लेट में। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, 80% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि जिस समय गॉल ब्लैडर का कैंसर पेट में फैल गया है उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज आती है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये हमें कोशिश करना चाहिए इस स्टेज में कैंसर डायग्नोज नहीं हो। और ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको पहले फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में इसको हम डायग्नोज कर पाए। और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि कुछ इसकी सिम्टम्स, इसकी क्या निशानी होती है, हमें क्या तकलीफ़ होती है जिससे कि हम डॉक्टर के पास जाएं। एक तो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पीलिया, जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं, पीलिया होता है, येलो कलर होता है स्किन में या आइज में या यूरिन में। ऐसा अगर हो तो उसे हमें पीलिया या हेपेटाइटिस करके छोड़ नहीं देना चाहिए। एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि कहीं ये और कोई कारण तो नहीं है पीलिया का, हो सकता है स्टोन्स हो। और वंस अगेन, स्टोन्स और पीलिया का मतलब नहीं है कि कैंसर है। बहुत समय स्टोन्स ऐसे जगह में रहते हैं और पित्त की जो रास्ता होती है उसको बंद कर देते हैं, उस स्टोन को हम हटा दिए और वो पीलिया निकल गई। तो इट कैन बी वेरी सिंपल ऑल्सो, लेकिन अगर होता है ये डॉक्टर ही एक बता सकता है कि वो जो पीलिया है वेदर दैट इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। सेकेंड होती है फीवर, अगर काफ़ी दिन से बुखार है, स्पेशली उसमें अगर आपको जाड़ा दे के बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, अपर एब्डोमेन, ऊपर का जो हिस्सा है एब्डोमेन उसमें दर्द है, या कुछ आपको वॉमिटिंग या नौजिया की एक सिम्टम होती है वो हो रहा है, ब्लोटिंग, एब्डोमेन पूरा फुला हुआ एक फीलिंग होती है, इस टाइप की अगर फीलिंग होती है तो एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसे एक बार प्रॉपरली डायग्नोज करना चाहिए। सारी सिम्टम्स होती है जो कि जनरली गॉल ब्लैडर कैंसर में पाया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है? जैसे बताया, इसकी ट्रीटमेंट ओनली सर्जरी, दी ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी। बहुत समय सर्जरी के स्टेज में अगर नहीं है तो उसमें फिर हम उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जाती है, बट दे आर नॉट क्यूरेटिव, दैट इज नॉट क्यूरेटिव। तो क्योर अगर करना है, ओनली सर्जरी एंड अ प्रॉपर सर्जरी विद एन ऑन्को सर्जन। तो ये हम कैसे करें? बिकॉज सर्जरी तो खाली फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में ही हो सकता है, इसीलिए वंस अगेन दैट इज वाई हम आज ये टॉक कर रहे हैं। आज अवेयरनेस की जो मंथ होती है फरवरी, हम इसीलिए मनाते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में जागरूकता हो, हमें पता चले कि गॉल ब्लैडर कैंसर क्यों होता है, हमें पता चले इसकी सिम्टम्स क्या होती है, जिससे कि डॉक्टर में के पास हम जल्दी जाएं और इसकी जल्दी हम डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करें।